शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यहाँ तो तुम्हें विशाल कपूर ने एडमिट करवाया है। क्या? हाँ, उन्हीं के खर्च पर तुम्हारा इलाज हो रहा है। विशाल कपूर, उसकी दी हुई जिंदगी से तो अच्छा होता कि मैं सागर की बाहों में दम तोड़ देती। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे विशाल कपूर के एहसानों की भीख नहीं चाहिए डॉक्टर, मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें उसकी मेहरबानियां हो। डॉक्टर, निकाल लीजिए मेरे जिस्म से वो खून का एक एक कतरा जिसमें विशाल कपूर के पैसों से खरीदी हुई दवाई। नहीं बरखा, क्या कर रही हो तुम? क्या पागलपन है? होश में आओ बरखा। मेरा इलाज करवा के वो क्या साबित करना चाहता है? यही कि वो मुझसे प्यार करता है? वो क्या समझता है दौलत के बल पे वो सब कुछ खरीद सकता है? वो मेरा दिल नहीं खरीद सकता, मेरा प्यार नहीं खरीद सकता। वो विशाल कपूर कितना भी बड़ा जुआरी क्यों ना हो, वो मेरे दिल की बाजी नहीं जीत सकता। तुमने ठीक कहा बरखा, एक कप भले ही सबसे बड़ा हो मगर रानी हमेशा राजा की होती है। मिस्टर विशाल कपूर। कौन? अंधेरे में बैठा हुआ आदमी जब अपने आप को नहीं देख सकता तो औरों को क्या पहचानेगा? अपने गुरूर और नाजायज ताकत के अंधेरों से निकलकर उजाले में आओ मिस्टर विशाल। आशा, तुम? हाँ आशा, वही आशा जिसने तुमसे एक दिन कहा था कि भगवान तुम्हें इतनी दौलत दे कि तुम दुनिया की हर चीज को खरीद सको, प्यार भी। प्यार तो तुम खरीद नहीं सके तो उसे छीनने पर तुल गए। छीनना हमारी आदत जरूर रही है आशा, लेकिन हमने किसी का प्यार छीनने की कोशिश कभी नहीं की। यह हम पर इल्जाम है आशा, हम पर इल्जाम है। अपने किन किन गुनाहों को इल्जाम का नाम दोगे विशाल? तुमने बरखा और सागर को अलग करने की कोशिश की, क्या ये इल्जाम है? तुमने बरखा को किडनैप करके सागर को मार डालने की कोशिश की, क्या ये भी इल्जाम है? दौलत की तराजू में हर चीज को तोलने वाले विशाल कपूर, प्यार बाजार में बिकने वाली कोई चीज नहीं जिसे तुम जब चाहे खरीद सको। सुन लो विशाल, तुम्हारी ये शान शौकत, तुम्हारा घमंड, तुम्हारे जुल्म को एक दिन सागर और बरखा के प्यार के सामने झुकना ही पड़ेगा। बस करो आशा, बस करो। ये इल्जाम जो तुम हम पर लगा रही हो सरासर झूठ है, हमें बदनाम करने की एक साजिश है। हम मानते हैं कि हमने घमंड के नशे में चूर होकर बहुत खुदगर्जी और नासमझी से काम लिए। यकीनन हमने बहुत सी नाइंसाफियां की हैं जिसका आज हमें दुख है। अगर आज हमारी आंखों में आंसू हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमें एहसास हो चुका है कि दिल टूटने का दर्द कितना बेदर्द होता है। अगर आज हम तुम्हारी बातों में शर्मिंदा हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम समझ गए हैं कि दौलत इतनी दौलतमंद नहीं जो सच्चा प्यार खरीद सके। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं आशा, लेकिन यह इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि यह इल्जाम सिर्फ हम पर नहीं आशा और हमारी पवित्र दोस्ती पर है। और जिस हरामजादे ने हमारे और सागर के बीच दुश्मनी के बीच बोए हैं हम उसे मिटा देंगे, तहस नहस कर देंगे उसे। हर उस खोए हुए पल का हिसाब लेंगे जिसे हम गवा चुके हैं। क्या इसका मतलब दुश्मन चाहते थे कि मेरे और वीके के बीच दुश्मनी और गलतफहमी की इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो जाए कि हम दोनों ना एक दूसरे को देख सके, ना जान सके, ना समझ सके? बिल्कुल ठीक सागर, विशाल कपूर आज भी तुम्हारे भाई कहलाने के हकदार हैं। गलत कह रही हैं आप डॉक्टर, विशाल कपूर सिर्फ मेरा भाई कहलाने का हकदार नहीं बल्कि दुनिया में अगर कोई भाई हो तो विशाल कपूर जैसा हो। वीके साहब, मुझे कमिश्नर की पोस्ट दिलवाकर आप नहीं जानते आपने इस बंदे पर कितना बड़ा एहसान किया है। मेरा भी फर्ज बनता है मैं आपके लिए कुछ करूं। और तुम अभी तक हमारा एक मामूली सा काम नहीं कर सके, ये नहीं पता लगा सके कि शहर में हमारा दुश्मन कौन है। वीके साहब, रिलैक्स रिलैक्स,
कुछ बातें ऐसी होती हैं जो टेलीफोन पे नहीं बताई जाती। अगर कल सुबह तक तुमने ये पता नहीं लगाया तो याद रखना, हम सिर्फ बनाना ही नहीं मिटाना भी जानते हैं। मैं आपको उनका नाम भी बताऊंगा और अपना काम भी बताऊंगा। वर्दी और पुलिस इनकाउंटर का सहारा लेकर मैं साले उस राजेश्वर की तरह आपके तमाम दुश्मनों का सफाया कर दूंगा, सफाया। कल सुबह तक, सिर्फ कल सुबह तक। कल सुबह मैं अशोक का बेसमेंट में आपका इंतजार करूंगा। तभी मैं सोच रहा था कि एक निकम्मा ऑफिसर कमिश्नर कैसे बन गया, लेकिन अब मेरी समझ में आया कि कुर्सी को इतनी ऊंचाई देने के लिए मेरे भाई की लाश का इस्तेमाल किया गया था। हाँ मैं समझ गया, तू यही कह रहा है ना कि इसके कमिश्नर बनने की खुशी में कोई धमाका होना चाहिए। ठीक है। यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा। गायकवाड़, 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 कौन है वो जो हमारा दुश्मन बनकर खुद अपनी जान का दुश्मन बन गया है? बताओ उस कमीने का नाम। नागेश्वर, तू? वही नागेश्वर जिसके मुंह पे तूने तमाचा मारा था, मेरे भाई को कुत्ते की मौत मारा। अपने भाई की मौत पर अफसोस मत करो नागेश्वर, क्योंकि सुअर की मौत पर आंसू नहीं बहाया करते। मेरी आंखों में आंसू नहीं विके, सुअर का बाल आ गया है। तेरा काम तो मैं पहले ही कर चुका होता जब बरखा को किडनैप करके सागर को मैंने तेरा दुश्मन बना दिया था। लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। धर्मा, धर्मा, ये एक तरह क्या किया, क्या किया तुमने? मेरी चिंता मत कर विकी, अपना ख्याल रखना और उस कमीने को जिंदा ना। धर्मा, रामजादे, नागेश्वर, इमरजेंसी केस आ गया है, विशाल कपूर को गोलियां लग गई हैं। Thank you.
कैसे चल रहा है सब? सब ठीक है। गोली निकालने से पहले आपको बेहोश करना पड़ेगा। नहीं आशा, नहीं, होश तो अब आया मुझे, अब मुझे बेहोश नहीं होना है। तुम गोली निकालो, गोली निकालो। रोको रोको, गाड़ी रोको, परमिट दिखाओ। लीजिए साहब। ठीक है, जाओ। किसने किया सब? वही लोग जिन्होंने हमारे बीच दुश्मनी की आग भड़काई। मैं उस आग में अपने रिश्ते को झोंकने चला था। माफ कर देना मुझे भाई। नहीं नहीं, माफ कर देना मुझे भाई, माफ करना। तेरी कोई गलती नहीं, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। नहीं, मैं नाम, मैं नाम बता मुझे भाई, सिर्फ नाम बता मुझे उसका, नाम। नागेश्वर और दलाल। हेलो, वीके साहब थर्ड फ्लोर ऑपरेशन थिएटर में है। गुड न्यूज, नागेश्वर साहब आ रहे हैं। नागेश्वर साहब, उस कंटेनर में हमारे आदमी हैं।
मालिक। दुश्मनी का बीज बोया तूने? विकी मैं माफी मांगता नहीं, तू मुझे अपनी बार माफ कर दो। नहीं भाई फेंक दे इसको।